ईस्टर्न राजस्थान की जनता के साथ जितना बड़ा विश्वासघात इस भजनलाल सरकार ने करा है कोई भी नहीं कर पाएगा। पहले ये परियोजना 3750 MCFT की थी टोटल, जो हमें पानी मिलना था मध्य प्रदेश से वो 3750 था। वसुंधरा जी की सरकार ने इसको 3510 MCFT की DPR बना के भेजी, वो DPR ये कह के बंद कर दी गई और ये परियोजना ये बंद कर दी गई। ये किरोड़ी लाल जी ने एक क्वेश्चन पूछा था जो मेरे पास यहाँ पर है, लिखा हुआ है, कि राज्यसभा में पूछा था, उनने ये पूछा था कि साहब ये परियोजना क्यों नहीं आप नेशनल परियोजना घोषित कर रहे हो। आपके मंत्री ने जोधपुर से आने वाले संसद ने क्या कहा कि डिपेंडेबिलिटी नहीं है क्योंकि 75% पानी हमारे को नहीं मिल रहा। शेम, ये आपके मंत्री ने जवाब दिया किरोड़ी लाल जी को। इधर संबोधित करिए, आप ही को कर रहा हूं सर। दूसरा, इसीलिए आपकी ये नेशनल परियोजना जो 5 साल आप कह रहे हो ना कांग्रेस सरकार ने नहीं करा, वो आपकी सरकार ने नहीं करा, मोदी सरकार ने नहीं करा, क्योंकि आपके पास 50% डिपेंडेबिलिटी। आपने कहा इसी क्वेश्चन में आंसर है, और चाहो तो मैं टेबल कर दूंगा, ये इसी क्वेश्चन में ये आंसर है। उसमें आपके जल शक्ति मंत्री ने कहा कि साहब अब हम ERCP को हटाते हैं, ERCP परियोजना ही नहीं है, अब क्या परियोजना हो गई, PKC परियोजना हो गई। क्या मजाक लगा रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंगों में भजनलाल जी ने अपनी फोटो लगा रखी है, मोदी जी ने, जो मोदी जी वादा करते हैं वो करेंगे। क्यों हमें बेवकूफ बना रहे हो आप लोग? क्या जनता की आंखों में आप मिट्टी डालने का काम कर रहे हो? हम सब समझते हैं ये सरकार, ये जनता इस सरकार को कभी आने वाले दिनों में, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, आपको कभी माफ नहीं करेगी झूठ बोलने वालों को। ये असत्य, सॉरी झूठ नहीं, असत्य बोलने वाली सरकार को कभी ये माफ नहीं करेगी। आपने क्या कहा, आपने इसमें 902 MCFT पानी, ये इस क्वेश्चन का आंसर में दे रखा है जल शक्ति मंत्री ने, 902 MCFT पानी आपने एक्स्ट्रा मध्य प्रदेश को दे दिया। तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर आए, आपको खुश कर दिया, आपके मुख्यमंत्री से मिल गए। और क्या हुआ कि मध्य प्रदेश का CM आया, हमारे CM से मिला और हमने कर दिया, इसी ईगो में आपने शांत कर दिया। ये किसके लिए, आपने तो हमारे 13 जिलों की जनता की आंखों में धूल झोंक दी ना। हमारा कठोरघात, इतना बड़ा विश्वासघात कोई नहीं कर सकता जो इस सरकार ने हमारे साथ किया है। आपको टोटल वाटर मिलेगा कितना, 2412 MCFT, ये आंसर है आपके मंत्री का, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका आंसर है आपके मंत्री का। आपने क्यों नहीं बताया, मंत्री यहां पर स्टेटमेंट दे रहा है, मंत्री को ये नहीं पता कितना MCFT पानी मिलेगा, कह रहे परियोजना की DPR वापस बनेगी। अरे इट हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, इट हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। आपने इस सदन को झूठ बोला, आपने असत्य बोला, आपने गुमराह करा इस सदन को। मैं सबसे कहता हूं ऐसे मंत्री को ऐसा जवाब ही नहीं देना चाहिए था, क्यों करा आपने, क्या मजाक करा रखे हैं आप। रावत साहब पहली बार आप मंत्री बने हो, कम से कम सदन को तो गुमराह मत करो आप, ये तो आपके मंत्री का आंसर है, मेरा नहीं है। या तो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन उधर चल रहा है, एक इंजन उधर चल रहा है, आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। यदि विश्वासघात होगा तो स्माइल नहीं करा जाता, आप पढ़े लिखे हो, विश्वासघात कोई आपके साथ करेगा तो स्माइल कोई नहीं करेगा। आपने क्या करा, आप खुद कह रहे हो कि ये हो ही नहीं सकता, और अभी क्या बताया 1700, तो आपको 1700-1750 तो ड्रिंकिंग वाटर देना है, 286 आपको ये देना है फॉर योर DMRC, जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं उनको पानी देना है, कहां से दोगे आप इरिगेशन के लिए। तो यानी ईस्टर्न राजस्थान की जो लोग हैं वो विदाउट इरिगेशन रहेंगे, यही आप लोग चाहते हो ना, जो ईस्टर्न राजस्थान में नहीं, आप तो यही चाहते हो कि हम वो विदाउट इरिगेशन रहे। हमने कुछ करा है कि नहीं करा, मंत्री महोदय एक तो आप अपनी जगह पे बैठो फिर आप बोलो, आप बैठो अपनी जगह पे फिर आप बोलो, हमने कुछ करा है नहीं करा, आपने क्यों करा है मैं उसका जवाब दे रहा हूं आपको। 5 लोग बोलने वाले हैं, हो गया, 5 मिनट सबके लिए, आधे घंटे की चर्चा है,
हमारे साथ विश्वासघात हुआ है और आपके साथ भी विश्वासघात हुआ है, क्योंकि आप भी अजमेर से आते हो, आप भी अजमेर से आते हो, आपके साथ भी विश्वासघात हुआ है। और करने वाला हमारे साथ विश्वासघात कौन है? जो मंत्री जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट से आता है, वही वो अजमेर डिस्ट्रिक्ट से आता है। विश्वासघात करने वाला वो आदमी है जिसने हमारे साथ ये करा। ये क्या कर रहे हो साहब? क्यों मार रहे हो इस जनता को? क्यों मार रहे हो इस जनता को? आपका मुद्दा आगे जवाब दो, मत मारो। 7 लाख एकड़। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आज इनने स्टेटमेंट दिया है, आज इनने स्टेटमेंट दिया, एक सेकंड बस, आज इनने स्टेटमेंट दिया क्या पानी कम मिलेगा पहले से? तो ये कह रहे हैं इसमें 7 लाख हेक्टर पानी मिलेगा सिंचाई के लिए। क्या आप पेपर के जरिए हमारे को, जनता को बेवकूफ बना रहे हो? क्या करना चाह रहे हो? सत्य तो बोलो, सत्य बोलने का धर्म तो निभाओ। आप एमएलए बन के आए हो, आप हमारे साथ किस तरह से हमारे ईस्टर्न राजस्थान के साथ कठोराघात करोगे? विश्वास। माननीय अध्यक्ष महोदय,